फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ हैदराबाद टू स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। हैदराबाद में 45 डेज बिताने के बाद वापस मुंबई तो आ गया हूँ, बट मंडे मतलब कल, आज संडे है, कल मैं जा रहा हूँ घर, और वो भी 1 साल 2 महीने बाद। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड ट्रिप, उसके लिए इतनी तैयारी चल रही थी, और ये ट्रिप कहीं कास्टिंग के लिए नहीं जा रहा, जा रहा हूँ अपने घर, वो भी 1 साल 2 महीने बाद, मतलब 14 महीने बाद घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा से मिलूंगा, और उसमें भी बड़ा हर्डल आया, उसके बारे में बातचीत करते हैं, बट पहले जाते हैं घूमने बैठते हैं, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। फाइनली रीच द एयरपोर्ट। अभी मैं बताता हूँ क्या स्कैम हुआ था मेरे साथ। मेरे को ना कोई ना बोर्डिंग पास आया ना ई टिकट आया, मैं पड़ गया सोच में कि मेरे साथ स्कैम ना हो, क्योंकि वो वाले फ्लाइट से ऑलरेडी चेकआउट हो गया था, और मेरे को जो नया फ्लाइट, मैंने जो सुबह 6 बजे का फ्लाइट बुक किया था, उसका बोर्डिंग पास ना टिकट मेरे को आया। 1 घंटे तक मैं लगा पड़ा कॉल पे, कस्टमर के कॉल लगा रहा, कॉल लगा रहा, कॉल लगा रहा, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, सब बोल रहे हैं वेटिंग पे है इतने सारे। मैंने अच्छे से ना वो ईमेल पढ़ा जो एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आया था ईमेल पे, मैंने मेल पे क्लिक किया एंड देखा कि मेरा नया टिकट खुल गया सरप्राइजिंगली, वो टिकट मिल गया। लाइक हर्डल तो बहुत बड़ा था, डर गया था लिटरली। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली मेरे सिटी में वापस आ चुके हैं, द सिटी ऑफ जॉय। 1 साल 2 महीने बाद बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग है, मम्मी पापा आए तो हैं, अभी वेट करूँ उनके लिए, बाहर जाऊँगा उनका रिएक्शन भी लूँगा, और मेरे अंदर, मेरे पेट के अंदर भी ना बटरफ्लाइज कहते हैं ना, तो गेट नंबर 2 के पास वो खड़े हैं, लेट्स गो एंड मीट देम। चलो फाइनली हियर, 14 महीने बाद, ठीक है, मम्मी के साथ, पापा के साथ पीछे खड़े हैं, रिएक्शन कुछ देखने को मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा था रिएक्शन देखने को मिलेगा। चलो देखो, तो ये ब्लॉग का एंडिंग यहीं पे करते हैं, ठीक है, मैं घर दिखा देता हूँ मेरे को, मेरा ये मेरा घर है। जिन लोगों ने मेरा पहला ब्लॉग देखा, सबसे पहला ब्लॉग देखा था, उन लोगों को पता होगा कि ये मैंने रिवील किया था, रिवील नहीं किया था एक्चुअली, दिखाया था सब लोगों को, ठीक है। तो दिस इज़ माय हाउस, और यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ा मुश्किल में, तो ड्रेनेज सिस्टम इज फक्ड लिटरली, तो मैं आसपास ज़्यादा दिखा नहीं सकता आप लोगों को, बट ठीक है। तो काफ़ी इमोशनल तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मैं भी थोड़ा सा वो था, इतने दिन बाद घर आ रहा हूँ, क्या रिएक्शन होगा। एंड पहले दिन तो ख़त्म नहीं है, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मेक श्योर कि आप शेयर कर रहे हो, कि देखिए ये पूरा जर्नी मैं यहाँ पे जो भी कुछ करने वाला हूँ, मेरे बहुत दोस्तों से मिलने वाला, पुराने इतने दिन आया, इतने दिन बाद आया, तो सब लोगों से बातचीत तो करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, तो ब्लॉग करेंगे, कोलकाता जाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट।